हाँ जी, कौन? बहू, पहचाना नहीं? अरे मम्मी जी, आप नमस्ते। मुझे लगा पता नहीं कौन सुबह सुबह भिखारन आ गई भीख मांगने के लिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बहू, तुम्हारी गलती नहीं है, हमें भी ना बताया आ गए। अब मैं ना तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्या आप हमारे घर में रहेंगे, शहर में? अब लेकिन मम्मी। बहू, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? आइए मम्मी। बहू, ये सिगरेट किसकी है? मम्मी जी, मैं नहीं पीती। वो कल आनंद के कुछ फ्रेंड्स आए थे ना, तो उन्होंने पी थी। पर आनंद तो सिगरेट नहीं पीता ना? हाँ मम्मी जी, वो नहीं पीते, लेकिन अब उन्होंने शुरू कर दी है। मैं कितना समझाती हूँ उनको, लेकिन बात ही नहीं समझते मेरी। अच्छा, पर वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा? मम्मी जी, वो ऑफिस की मीटिंग के लिए इंडिया से बाहर गए हैं, थोड़े दिन में आ जाएंगी। आने दे, इतना डांटूंगी ना कि वो सिगरेट पीना भूल जाएगा। रहने दीजिए ना मम्मी जी, अब आप ये सब छोड़िए, आप आराम कीजिए, थक गई होंगी ना। अरे मम्मी जी, आप छत में बैठकर धूप सेक रही हैं, चलिए नीचे। अरे बेटा, क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है? मम्मी जी, वो क्या है ना, आज नौकरानी ने छुट्टी ले ली है और कुछ दिनों के लिए वो आएगी नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, पूरा घर फैला हुआ है, इतना सारा काम है, अकेले कैसे करूंगी? बस इतनी सी बात? अरे मैं हूं ना, तेरे काम में हाथ बटा दूंगी, और फिर मैं सारा दिन ना खाली बैठी रहती हूँ, तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो। और वो क्या है ना, शाम को मुझे कहीं जाना है, तो आप खाना भी बना देंगी? हाँ बेटा, बना दूंगी। बता क्या खाएगी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस 4-5 डिशेस बना देना आप, और कुछ नहीं। और जो सफाई करनी है वो है, झाड़ू पोछा कर देना थोड़ा, और कपड़े हैं वो भी सुखा देना। ठीक है बेटा, बना दूंगी। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपने घर का सारा काम कर दिया? हाँ बेटा, सारा काम हो गया। वो क्या है ना, मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो आप बर्तन भी धो देंगी? ठीक है बेटा, कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी, बर्तन धोने के बाद आप खाना भी बना देना। ठीक है बेटा। बहू, खाना। मम्मी जी, ये खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फिर से बना देंगी क्या? ठीक है बेटा, बनाती। अब इस बुढ़िया को इतना परेशान करूंगी ना, ये खुद घर छोड़ के चली जाएगी, आई बड़ी शहर में रहने वाली। सुन, आज से ना तुझे काम पे आने की जरूरत नहीं है, और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बिल्कुल नहीं आना है। वो क्या है ना, मेरी सास घर पे आई हुई है, अब अगर घर आई है, खाना भी ना खाएगी, तो काम भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो घर का सारा काम मेरी सास करेगी। जा तू। अब सुनना चंपा, अब हम पार्टी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, वो बुढ़िया, उससे मेरा सर कहा के रखा हुआ है। पर यार, वो तो तेरी सास है ना। सास काहे की सास, नौकर बना के रखा हुआ उसे घर पे, सारे घर का काम करवाती हूँ। और तुझे तो पता है ना, ये गांव वाले लोगों से ना मैं बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, वो तो बस मेरी सास है, इसलिए झेलना पड़ रहा है। और तुझे तो पता है ना मेरे स्टैंडर्ड के बारे में। हाँ यार, वो तो पता है, पर अब हम पार्टी कैसे करेंगे? और अगर तेरी सास ने हमें दारू पीते हुए या सिगरेट पीते हुए देख लिया, तो ये तो तेरे हस्बैंड को बता देगी ना, कंप्लेन कर देगी तेरी। वही तो यार, डर है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है, तू अपनी सास को कुछ पैसे दे दे रखने के लिए, और फिर वो पैसे खुद ही चोरी कर लियो, और फिर तुझे तो पता ही है, अपनी सास पर इल्जाम लगा लियो और घर से बाहर निकाल दियो। अरे वाह, नाइस आइडिया, सही कह रही है। अब देखती हूँ ये बुढ़िया कितने दिन घर रहती है बेचारी। मम्मी जी, ये सब छोड़, तू बता और क्या चल रही लाइफ। सुनो मम्मी जी। हाँ बेटा।
ये मेरे कुछ पैसे हैं, आप संभाल के रख लोगी? अरे बेटा मैं कहाँ रखूँगी, तुम अपने पास रख लो ना। मम्मी जी आप रख लो ना, आप घर पे भी रहते हो, आप ध्यान से रख लोगे प्लीज। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी मैंने जो आपको पैसे दिए थे आप मुझे वापस कर देंगी? हाँ बेटा लेकर आती हूँ। बहू बहू मैंने ना पैसे अलमारी में ही रखे थे, मैंने सारे में ढूंढ लिए, पैसे नहीं मिल रहे। मुझे तो पहले से ही शक था, आप गांव से यहाँ शहर में इसलिए आई हो ना हमारे घर पे ताकि चोरी कर सको, सच बताओ। बहू कैसी बातें कर रही है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कसम खाती हूँ मैंने पैसे वहीं रखे थे। मैंने पैसे आपको ही दिए थे तो आपके पास से कहाँ चले गए, चोर आप ही हैं। अगर आप सच सच नहीं बताया ना आपने तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे बेटा पुलिस को क्यों बुलाएगी, मैं कसम खा के कहती बहू मैंने चोरी नहीं की। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी, चलो मेरे साथ चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है ये? आप अच्छा हुआ आप आ गए, देखो ना मम्मी जी ने क्या किया, मेरे पैसे चुरा लिए, ऊपर से झूठ पे झूठ बोली जा रही है। नहीं नहीं बेटा मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मम्मी जी आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, एक तो आपने अपनी बहू के घर से पैसे चुराए, ऊपर से झूठ में झूठ बोली जा रही है, ऐसी एक्टिंग करते हुए आपको शर्म नहीं आती, कितनी उम्र है आपकी? बस करो ये दिखावा मत करो, और मुझे बताया असली चोर कौन है। कौन है? तुम्हें नहीं पता, दिखाता हूँ। मम्मी आप रोइए मत, मुझे बता असली चोर कौन है, अभी पता चल जाएगा। एक्चुअली मैंने वहाँ जहाँ चोरी हुई थी वहाँ सीसीटीवी लगा रखा है, सारी फुटेज है मेरे पास। बहू तुम? आनंद देखो तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या सोचना चाहिए सब मुझे पता है, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और मम्मी के भी सामने आ चुका है, अब मैं जान सकता हूँ तुमने क्यों किया। इस घर में तुम अकेले रहना चाहती हो ना, मालकिन बनना चाहती हो, क्यों इतना लालच तुम्हें? तुम्हारे पास माँ आई है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि तुम्हें आशीर्वाद मिल सके। तुमने मेरी माँ पे झूठा आरोप लगाया लेकिन इन्होंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने इनसे सारा काम कराया घर का, इन्होंने प्यार से सारा काम कर दिया, क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करती है, तुम्हें अपनी बेटी मानती है, लेकिन आज तक तुमने मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझा, बस सास समझती रही। अगर तुम इन्हें माँ मानती ना तो तुम्हें भी बहुत प्यार मिलता, इन्होंने बहुत प्यार दिया है लेकिन तुमने इनको हमेशा नीचा दिखाया, इनके साथ मिसबिहेव किया है, क्यों? ताकि तुम खुश रह सको, पार्टी कर सको, इस घर का गलत यूज़ कर सको, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है जब हम शादी करना चाहते थे लेकिन सोसाइटी वाले हमारी शादी के लिए एग्री नहीं थे, तब किसने हाँ भरा? मम्मी ने, मम्मी ने साथ दिया, फिर हमने शादी की, हमारी शादी हो पाई है, हम इतने खुश थे, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे दिमाग में गलत चीज़ें भर दी, गलत संस्कार भर दिया, गलत हरकतें डाल दी, इस वजह से तुमने अपने आप को पहचाना नहीं, तुमने माँ को रुलाया है, और माँ को रुलाने वाला कभी भी खुश नहीं रह पाता है, जो भी इंसान माँ को रुलाता है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता। बहू को पता असली फर्ज क्या होता है, अपनी माँ की सेवा करना, लेकिन वो तुमने नहीं किया, क्यों? ताकि तुम ऐशो आराम से रह सको, और जब ये परिवार ही नहीं रहेगा तुम ऐशो आराम किसके साथ जियोगी, किसके साथ रहोगी बताओ? अकेले रह पाओगी, बिना परिवार के रह पाओगी? नहीं रह पाओगी ना, इसीलिए तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब से अकेले रहना पड़ेगा। तुम्हारी गलती की यही सजा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम में अच्छे संस्कार ही नहीं है, अगर तुम में अच्छे संस्कार रहते तो तुम अपनी माँ को नहीं रुलाती। नहीं आनंद प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मम्मी जी आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। बेटा इसे माफ कर दे। नहीं मम्मी इसे कैसे माफ कर दो, इसने आपको रुलाया है, मेरी माँ को रुलाया है, तो कोई भी इंसान किसी को भी रुलाए इस तरीके से वो बहुत गलत बात होती है, और तुमने तो मेरी माँ को रुलाया है, इस चीज़ के लिए मैं इसको कैसे माफ़ कर दूँ? आज इसने ये गलती करी है, और अगर सपोज करो मैं इसे माफ़ भी कर देता हूँ तो कल दोबारा फिर से ये गलती नहीं करेगी? करेगी जरूर, क्योंकि एक बार अगर कोई गलती करता है तो दोबारा गलती करता है। जब तुम अकेले रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि परिवार का साथ होना कितना जरूरी होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलो मम्मी मुझे इसके साथ नहीं रहना, चलो कुछ दिनों में तुम्हें डिवोर्स के कागज़ मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली या शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके, जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।